Now, so again, so we will go by steps of DNA finger printing. मैं उन्हीं हेडिंग में आपको फिर डिटेल करा करा के करा देता हूँ. तो जो आपको हेडिंग दिया है एनसीईआरटी में उसी से हम खोल खोल के कर देंगे. ठीक है. तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या है? आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ठीक है. तो अब इस स्टेप को अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. क्योंकि आप जो लेते हो सैंपल वो सेल्स लोगे, डीएनए नहीं मिलता है. समझे कि नहीं? सपोज मैं आपका एक नाजल स्वैब लेता हूँ या ओरल स्वैब लेता हूँ, तो व्हाट डू आई गेट एक्चुअली? तो आई गेट सेल्स, नॉट डीएनए. समझ रहे हो? तो इसलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव टू यूज द व्हाट, वी हैव टू यूज द डीएनए. तो इसलिए हमें उन स्वैब में से क्या ढूंढ के निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डीएनए. ठीक है. सो ना अब हम लोग क्या करेंगे? सो वी विल टेक आउट डीएनए. उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सब एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं होता. तो व्हेन अ सैंपल सच एज ब्लड एंड सेल इज ऑब्टेंड, द डीएनए इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट इन द सैंपल. बिफोर द डीएनए कैन बी एनालाइज, इट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स एंड प्यूरिफाइड. सो देयर आर मेनी वेज, ओके, बट ऑल मेथड्स फॉलो द सेम बेसिक प्रोसीड्योर. So the cell and nuclear membranes need to be broken up to allow the DNA to be free in solution. So isko hum log kya kehte hain? So this process is called homogenization. Okay? Hum log ek tissue ko lekar usko grind kar dete hain. Theek hai? Now, once DNA is free, okay, it can be separated from all other components. Okay? जैसे हमने पूलिंग किया था कोल्ड इथेनॉल में डालकर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो. तो आफ्टर द डीएनए हैज बीन सेपरेटेड इन सॉल्यूशन, द रिमेनिंग सेलुलर डेब्रिस कैन देन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड डिस्कार्डेड, ओनली लीविंग द डीएनए. ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन इंक्लूड ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन. याद है जो हम लोगों ने किया था बायोकेमिस्ट्री में, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड लेकर, है कि नहीं? तो उस तरह से ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे. सो उसको आप आल्सो कॉल्ड फिनॉल एक्सट्रैक्शन, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन. ठीक है कि नहीं? तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म, उसको मैं लिख लेता हूँ CHCl3. ओके, फिनॉल CHCl3. इसको मैं जानबूझ के क्या, क्योंकि फिर वो दे नहीं रहा. CHCl3 को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, ओके, एक्सट्रैक्शन. फाइन. सो इसलिए ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन. इसके अलग अलग मेथड्स हैं, उससे आप कुछ समझेंगे नहीं, तो इसलिए उसको इतना घोषणे का जरूरत नहीं है ना. तो इसलिए अब हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर दिया. तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज अ मॉडिफाइड वर्जन. तो उसका अलग अलग आजकल मॉडिफिकेशन भी आ चुके हैं ना. आफ्टर द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है कि नहीं? तो आफ्टर द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, अब क्या करेंगे? इट कैन बी एनालाइज्ड वेदर इट इज बाई RFLP, ओके, एनालिसिस और क्वांटिफिकेशन एंड PCR एनालिसिस. ओके, तो RFLP का फुल फॉर्म क्या है? रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट, है कि नहीं? तो उसका एनालिसिस करो या फिर PCR एनालिसिस करो. देखो प्रॉब्लम क्या होता है, आपको एविडेंस देना पड़ेगा बार बार, है कि नहीं? तो इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप वो कर सकते हो. ओके, तो उसमें क्या करना है हम डिस्कस करेंगे.
इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, ओके, और क्वांटिफिकेशन एंड पीसीआर एनालिसिस। तो पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक्चुअली पीसीआर करने का जरूरत क्या है, क्योंकि आपको जो डीएनए मिला है, सपोज देखो मुझे अनिशा से डीएनए लेना है तो मैं जिंदगी भर ले सकता हूं, बट जो सैंपल मिला है जो मर्डर विक्टिम के नाखूनों में या रेप विक्टिम के नाखूनों में, वो तो बार बार नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए उसको आप क्या करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो इसीलिए बिकॉज एनी टाइम ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीड्योर है, ओके, तो मतलब डीएनए है तो पहले पीसीआर कर लो, है ना, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डीएनए हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप पीसीआर कर लो, ओके। तो पीसीआर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं वो लोग, क्योंकि हमको डीएनए फिर बाद में नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड, सो यू विल नॉट गेट इट लेटर ऑन, ठीक है। चलिए तो इसीलिए फिर ये वाला हम इधर से कट कर देंगे, अगले पेज पे इधर इसको डाल देंगे, क्योंकि कोर्ट केसेस में क्या है, यू मे नीड टू प्रूव इट 1000 times, है कि नहीं, तो इसलिए यू शुड हैव इनफ डीएनए, तो इसलिए कुछ भी करो पहले पीसीआर कर लो, ठीक है। तो अब व्हाट इज आईएफएलपी एनालिसिस, तो आरएफएलपी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ओके, तो इसमें मैं लिख देता हूं आपका आरएफएलपी एनालिसिस, ओके, एनालिसिस। Now, what is done in RFLP analysis? So, the first method is RFLP analysis. DNA is collected from cells and cut into small pieces using restriction enzyme. ठीक है? The restriction enzyme, या इसको हम लोग restriction endonuclease कहते हैं. Okay? This generates DNA fragments of different sizes as a consequence of variation between sequences of different individuals. The fragments are then separated on the basis using gel electrophoresis. Okay? Gel electrophoresis, generally DNA में हम लोग age prefer करते हैं. ठीक है? So we will prefer age. Now, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, we will put it on nitrocellulose paper, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, so the separated fragments are then transferred onto nitrocellulose paper या nylon 6 paper, okay, this procedure is called sudden blotting, क्यों, after EM sudden, okay, तो EM sudden के नाम से इसको हम sudden blotting कहते हैं, understood, तो इसलिए but उसके बाद जो है वो हम लोग उस analogies use करते हैं, ठीक है, तो EM sudden के नाम पे sudden blotting हुआ, बट साउथ का उल्टा क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ, डीएनए का उल्टा क्या है, आरएनए, तो इसलिए आरएनए ब्लॉटिंग को हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, नॉर्दर्न, एंड प्रोटीन क्रिस क्रॉस से निकलता है इसलिए उसको हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, वेस्टर्न, ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद इन द ब्लॉट आर परमानेंटली फिक्स टू द फिल्टर and the DNA strands are denatured, okay, तो उसको हम लोग fix कर देते हैं, radio labeled probes molecules are then added that are complementary to the sequence in the genome that contains repeated sequences, ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग करते हैं,
ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जेल इज डिफिकल्ट टू कैरी एंड रिटेन, तो इसलिए सिंस आपको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग उसके पहले क्या करते हैं, उसके पहले उसको हम ब्लॉट कर देते हैं। तो ब्लॉट करने से क्या होता है, वो परमानेंटली रह जाता है, ठीक है। सो तो इसलिए हम लोग उसको ब्लॉट कर देते हैं। तो द डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द ब्लॉट आर परमानेंटली फिक्स्ड एंड आर डीनेचर्ड। तो उसके बाद हम लोग रेडियो लेवल्ड प्रोब, इसको यहां ले आते हैं, ओके। रेडियो लेवल्ड प्रोब मॉलिक्यूल्स आर देन एडेड। प्रोब मतलब क्या है, ढूंढना, सर्च इट, ओके। आर देन एडेड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंसेस, ओके, इन द जीनोम, ओके। क्यों ऐसे हो रहा है, इसको एक और डिलीट कर देते हैं, चलिए हुआ। सो दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए सीक्वेंसेस। सी व्हाट हैपेंस, जो प्रोब है भाई, वेयर इज योर डीएनए, तो उसको ढूंढने के लिए फिर हम प्रोबिंग करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा दीज थिंग्स। तो प्रोब मतलब सपोज आई वांट टू लोकेट सुमन्स हाउस, तो मैं क्या करूंगा, मैं ओम को पकड़ूंगा, तो ओम मेरे को सुमन के घर ले जाएगा, है कि नहीं। सो दैट इज बिकॉज ही नोज इट। तो इसलिए जो प्रोब है, सी डीएनए इज स्मॉल, तो यू कैन नॉट लोकेट इट, है कि नहीं। प्लस छोटा सा सेगमेंट और भी स्मॉल हो जाएगा, तो हाउ विल यू लोकेट इट। इसलिए हम लोग प्रोब यूज करते हैं। तो प्रोब को हम रेडियो एक्टिव बना देंगे या फ्लोरोसेंट डाई टैग कर देंगे। तो अगर रेडियो एक्टिविटी यूज किया है तो ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल जाएगा, अगर फ्लोरोसेंट डाई टैग किया है तो हम फ्लोरोसेंस से पता कर देंगे यूवी लाइट में, अगर आप इम्यूनो फ्लोरोसेंस यूज किए हैं माने एंटीबॉडी में डाई टैग किए हैं, तो हम लोग इम्यूनो फ्लोरोसेंट टेक्निक से उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग, सो दीज रिपीटेड सीक्वेंसेस टेंड टू वेरी इन लेंथ अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड आर कॉल्ड VNTRs। द प्रोब molecules hybridize to DNA fragments containing the repeated sequences and excess probe molecules are washed away. So the blot is then exposed to an X-ray film. So X-ray film se kya hoga? Photo radiography ho jayega. Fragments of DNA that have bound to probe molecules appear as fluorescent bands on the film. Okay? So ye dekho, usme gadbad kar diya. So fragments of DNA that are appears ये as appear as क्या light bands, okay, appear as light bands। तो photographic film में fluorescence कैसे देखोगे, okay? तो fragments of DNA that are bound to the probe molecules appear as light bands on the film, ठीक है। तो आपका जो negative होता है उसमें क्या है, negative काला होता है, तो जहां एक्सपोजर होगा वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसको पॉजिटिव कर दोगे, फिल्म को पॉजिटिव कर दोगे, तो डीए जो बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा एंड डीएनए ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सदर्न ब्लॉट टेक्निक रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ नॉन डिग्रेडेड सैंपल डीएनए। ऑल्सो Jeffrey's original multi-locus RFLP technique looked at many mini-satellites at the same time, increasing the observed variability, but making it hard to discern individual alleles. मैंने ये उनका अपना टेक्निक था, ये हमें जानने का कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो ये हमारा है RFLP analysis, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे,
तो आप लोग जो डीएनए है उसको लोगे, उस डीएनए में जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड कर देंगे। तो समझ रहे हो, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड कर देंगे, मतलब उसको अलग अलग कर देंगे। क्यों बोलो, व्हाई वी विल मेक इट सिंगल स्टैंडर्ड, सो दैट डबल कैन अटैच। हाँ बोलो, डबल स्टैंडर्ड होगा तो प्रोब के साथ है। मैंने टेल मी द आंसर संदीप, क्या पागला जैसे बोल रहे थे, मैंने क्या बोल, क्या चाह बोलना क्या चाह रहे हो? हाँ सर, इफ इट्स डबल स्टैंडर्ड देन द प्रोब विल नॉट बी एबल टू अटैच, सो विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। कि वो डबल स्टैंडर्ड है तो आपका प्रोब अटैच कैसे होगा? प्रोब तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर बनाया है ना, तो इसीलिए अगर आपको वीएनटीआर को अटैच कराना है तो प्रोब को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। तो देखो इसमें उन्होंने सारा चीज डिस्कस कर दिया है, तो इसलिए इसको दोबारा हमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सो ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी हियर, तो वी विल डिलीट। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे दूसरा मेथड में, दैट इज कॉल्ड पीसीआर एनालिसिस। तो पीसीआर एनालिसिस क्या है उसको हम लोग, चलो मैं पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो डीएनए है आपका फिंगरप्रिंटिंग, तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग डीएनए को लेकर पहले आइसोलेट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो व्हाट आर वी टेकिंग, तो वी आर टेकिंग द डीएनए, है कि नहीं? एंड उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने का मतलब क्या है, आप जैसे मैं स्वैब ले रहा हूं, आई एम टेकिंग योर ओरल टिश्यू, है कि नहीं? थोड़ा सा ओरल टिश्यू को स्क्रैच करके मैं ले रहा हूँ, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल्स है, इधर उधर का सब कचड़ा है। तो पहले उसको हम लोग लेकर होमोजेनाइज कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे एंड सेल को तोड़ देंगे। तोड़ देने के बाद बाकी सारे चीजों को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे भाई, प्रोटीन एंजाइम डाल दो तो प्रोटीन्स को डिडाइजेस्ट कर देगा, फैट लाइपेजेस डाल दो तो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देगा। कंसेप्ट हर जगह सेम है, ओके? वही काम हम हर एक केस में करते हैं। टू रिमूव प्रोटीन विल पुट प्रोटीनेजेस, टू रिमूव लिपिड्स विल पुट लाइपेजेस, टू रिमूव कार्बोहाइड्रेट्स विल टेक रिमूव कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे करके हम सारा कुछ अलग अलग कर देंगे। तो एक बार आपने सब कुछ अलग अलग कर दिया, अब क्या करेंगे, डीएनए आपको मिल गया, तो इस डीएनए को आप अलग कर लीजिए। तो कैसे अलग कर सकते हैं, यू कैन पुट चिल्ड इथेनॉल, तो उससे क्या होगा, आपका डीएनए थ्रेड बन के अलग हो जाएगा। ये जो डीएनए आप लिए हो ये फुल डीएनए है, अब इसको हमें तोड़ना है। बट तोड़ेंगे किस आधार पे, कि हमें वीएनटीआरस को नहीं तोड़ना है, उसके आगे पीछे तोड़ना है। इसलिए हम एक ऐसा एंजाइम यूज करेंगे जो वीएनटीआर के आगे पीछे तोड़ेगा। ठीक है, सो नाउ, तो हाउ विल यू नो इट, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपके कौन सा एंजाइम आप यूज कर सकते हो, तो यू हैव टू यूज एंजाइम जिसका रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपके बिफोर एंड आफ्टर वीएनटीआर हो, तो उससे क्या होगा, आपका वीएनटीआर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो जो डीएनए सेगमेंट कटेगा बिफोर वीएनटीआर कटेगा एंड आफ्टर वीएनटीआर कटेगा, तो आपको एक पर्टिकुलर एंजाइम ढूंढना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस, किस तरह का रिपीटेशन है आपका, तो उसके आगे कौन सा डीएनए है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ योर हमारा क्या है, तो इको आर वन का क्या है बोलिए, जो रेस्ट्रिक्शन साइट GATTC, तो अगर आपको आपका जो VNTR के आगे एंड पीछे GATTC है तो आप ECO R1 यूज कर दो, तो वो क्या कर देगा, ठीक G के बाद काट देगा,
ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, VNTR इंटैक्ट रहेगा। तो इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट एन एंजाइम विच विल कट प्लस एंड माइनस ऑफ VNTR, ठीक है, विच विल नॉट कट विद इन। तो आपने कट कर दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आप एल्कली ट्रीटमेंट कर दो। तो जब आप एल्कली ट्रीटमेंट करोगे तो वो बैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। आप एल्कली ट्रीटमेंट अभी कर सकते हो या आफ्टर बैंडिंग भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज उसको एल्कली ट्रीटमेंट कर दिए तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अब फिर हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो अब हम लोग थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं, एज क्या है एंड पेज क्या है, तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए नोट। तो नोट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में शायद, बट थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये एक न्यू कंसेप्ट है तो आपको जानना जरूरी है। नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जो डीएनए है, या आप किसी का भी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, या हम लोग डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। तो जब हम लोग डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आप लोग एक जेल बनाओगे जिसमें हम लोग डीएनए को फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली वी विल बी यूजिंग व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सीविंग। सीविंग का मतलब क्या है, छानना, ओके। तो हम लोग छानेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जो टी लीव्स होता है चाय, तो जो चाय फैक्ट्री में आप देखोगे वहां 6 to 7 लेयर्स ऑफ छन्नी होता है विथ डिक्रीजिंग पोर साइज, ठीक है। सबसे ऊपर बड़ा पोर साइज होगा एंड सबसे नीचे छोटा पोर साइज होगा, ठीक है। अब वो ऐसे ऐसे हिल रहा होगा ऐसे करके, तो अब क्या होगा, जो प्रोसेस टी लीव्स है उसको हम ऊपर डाल देंगे। तो जब ऊपर डालेंगे तो छानेंगे तो ऊपर कौन सा रह जाएगा, सबसे ऊपर द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है द लार्जेस्ट साइज। तो वो लार्जेस्ट साइज इंडिया ने कभी देखा नहीं है, वो स्ट्रेट अवे फैक्ट्री से एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर, तो दोज लार्ज लीव्स हम लोग कभी देखे नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर, है कि नहीं। उसके बाद जो छन के नीचे गिरा उसको फिर हम और थोड़ा छोटा पोर साइज में छानते हैं, तो उसमें जो बड़ा बड़ा लीफ मिलेगा वो राजे रजवाड़े मंत्री पात्र ये लोग सब पीते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छन्नी में छन के ऊपर रह जाएगा वो आपका लीफ टी होके मिलता है जो रिच पीपल पीते हैं, है कि नहीं। उसके नीचे जो मिलता है वो हम लोग पीते हैं लीफ टी। उसके बाद जो नीचे मिलता है, ऐसे होते 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 जो सबसे नीचे जो धूल गिरा, जो डस्ट गिरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डस्ट नालीचे, तो उसको हम लोग डस्ट टी बोलते हैं। तो आप देखोगे ओमफेड ओमफेड में जो चाय होता है वो पूरा ब्लड रेड कलर का होगा, क्यों है रेड होता है, तो चाय का पत्ता में डस्ट होता, ओके। सो देयर इज नो कलर इन टी लीव्स, समझ में आया। तो टी में कोई रंग नहीं होता, तो इसलिए हम लोग जो वो रंग ऐड करते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली हम लोग उसको ऐड करते हैं, तो ये जो एक्सटर्नली आप उसको ऐड करोगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। तो जो हम लोग एक्सटर्नली ऐड करेंगे उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो हम लोग एक रेड टैनिन यूज करते हैं, लाल रंग, ठीक है। तो वो रंग सबसे ज्यादा किस में होगा,
जो नीचे वाला डस्ट गिरा हुआ है। ओके, इसलिए आप देखोगे जो ग्रीन टी लोग पीते हैं, ग्रीन टी का कलर क्या होता है बोलो? Have you taken green tea? Reddish kind of. A slightly green, greenish yellow. Nothing. So green tea का कोई कलर नहीं होता है। Okay? या हल्का सा कोई कलर, हल्का सा गंदा कलर होगा। Okay? Green. But you cannot say it green or you cannot say it yellow. ठीक है? तो इसीलिए जो green tea का कोई कलर नहीं होगा। अगर कलर आ रहा है, इसका मतलब है उसमें टैनिन यूज किया गया है। एंड जो सबसे नीचे जो डस्ट गिरता है उसमें एक्चुअली कलर ही ज्यादा होता है एंड एसेंस ज्यादा होता है, समझ रहे हो? जो स्मेल भी आता है ना चाय का, वो एक एसेंस होता है, वो टी लीफ का स्मेल नहीं आता है। आप ग्रीन टी पियोगे उसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, जैसे लगेगा थोड़ा उबला उबला पानी पी रहे हो और कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो लाइक दैट। बट अगर आप चाय पीते हो कितना बढ़िया महक आता है, तो वो महक क्यों आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द सेंट वी एड। ओके, तो इसीलिए जो रेड टी होगा, जो लास्ट वाला डस्ट टी, उसका लालिमा भी बहुत अच्छा होगा एंड उसका टेस्ट भी बढ़िया होगा, है कि नहीं? तो लाइक दैट बिकॉज ऑफ द कलर एडेड। इसलिए आप देखोगे ना ओमफेट, जैसे तुम्हारे मम्मी के घर में कितना लोग चाय पीने आते हैं? कोई नहीं। बट ओमफेट बूथ में देखो कितना मारा मारी होता है, समझ आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अब हम लोग इस काम बोलो बोलो क्या हुआ? चलिए, तो अब इसलिए अभी हम लोग लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड for separation and analysis of DNA, etc., and their fragments based on their size and charge. इसको हम लोग collectively क्या बोलते हैं? Collectively इसको हम लोग कहते हैं electrophoretic mobility. ठीक है? Collectively इसको हम लोग electrophoretic mobility बोलते हैं। ठीक है? It is used in clinical chemistry to separate proteins by charge or size. Okay, so IEF agarose essentially size independent, and in biochemistry and molecular biology to separate mixed population of DNA and RNA by length. ठीक है, तो ये आपका अलग-अलग techniques use होता है. Okay, now उसमें जो DNA में जो या nucleic acids में हम लोग generally, मैंने आपको क्या बोला था? एगरोज यूज करते हैं। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड आर सेपरेटेड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव द नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स थ्रू अ मैट्रिक्स ऑफ एगरोज। ओके, तो उसको हम लोग AGE कहते हैं, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, शॉर्ट टर्म इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, तो जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड माइग्रेट फार्दर देन द लॉन्गर वंस। ओके, बिकॉज शॉर्टर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट मोर इजिली थ्रू द पोर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सीविंग या छानना। तो जो हमारा कॉमन सीविंग है उसी तरह से आपका सीविंग होता है। क्लियर? जैसे सूजी भी छानते हैं हम लोग, है ना, जो अगर आप आटे का चक्की पे जाओगे ना तो वहां भी अलग अलग तरह का सीव होता है। तो सबसे ऊपर जो होगा वो बड़ा दाना होता है, गेहूं होगा, उसको तोड़ देंगे, उसको दलिया बना देंगे। ठीक है, दलिया माने वो थोड़ा माने वन वीट इज ब्रोकन टू 8 पीसेस। बट आप बोलोगे नहीं मोटा दाना सूजी बनाओ जो हम लोग उड़ीसा में खाते हैं, तो वो उसको 16 पीसेस में तोड़ देंगे। अगर आप बोलोगे नहीं पतला दाना सूजी बनाओ तो सपोज वो 32 पीसेस में तोड़ देंगे। अगर आप बोलोगे आटा बनाओ तो वो पूरा उसको ग्राइंड कर देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए अलग अलग तरीके का वो छन्नी यूज होता है। ठीक है, चलो
चलिए उसके बाद तो ये हमारा जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। तो इसमें आपका अलग अलग टाइप ऑफ जेल्स होता है। तो जो एगारोस जेल है, तो एगारोस जेल में क्या होता है, ओके, उसमें आपका अगर अगर होता है, ठीक है। तो एगारोस जेल इज कॉल्ड अगर अगर, इट इज ऑप्टेन, मैंने इट इज ऑप्टेन फ्रॉम अगर अगर, ठीक है। So agarose gels are made from natural polysaccharide polymers extracted from कौन सा red algae, इसको seaweed नहीं लिख के red algae, कौन सा red algae, example बताओ। Gelidium and Gracilaria. Gelidium, Gracilaria, okay, full stop, ठीक है। Now, agarose gels are easily cast. Agarose gels are easily cast and handled compared to other matrices because the gel setting is a physical rather than chemical change. Okay. Samples are also easily recovered after the experiment is finished. The resulting gel can be stored in the plastic bag in a refrigerator. आपने निकालने के बाद ये जेल बाद में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एगारो पेक्टिन, ओके, एगारोज जैसे आपका एमाइलोज एमाइलो पेक्टिन होता है, उसी तरह एगारो पेक्टिन कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड्स द पोर साइज, ठीक है। अगर आप ज्यादा कर दोगे तो छोटा पोर साइज हो जाएगा, अगर आप कम कर दोगे तो बड़ा पेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। नाउ उसी तरह से आपका और भी अलग अलग मीडियम्स हैं, ठीक है। नाउ एगारोस का एक डीमेरिट क्या है, उसमें कांस्टेंट पोर साइज नहीं होता, माने वने वो एक्चुअली नेचुरल पॉलीसेक्राइड है ना, तो उसमें तो एगारोस जेल्स डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म पोर साइज बट आर ऑप्टिमल फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट आर लार्जर देन 200 किलो डाल्टन, ठीक है, लार्जर देन 200 किलो डाल्टन, ओके। तो वो छोटा नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपका ये है। एंड डीएनए के केस में हम लोग आपका क्या कर सकते हैं, उसमें आपका और छोटा सा थोड़ा सा कम भी डीएनए में हम यूज कर सकते हैं। सो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए रेंजिंग फ्रॉम 50 बेस पेयर टू सेवरल मेगा बेस पेयर्स, ओके, द लार्जेस्ट ऑफ विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एपरेटस, तो वो नॉर्मल एपरेटस में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर एगारोस, तो अब उससे ज्यादा अभी आपको चाहिए नहीं, बट फिर आ जाएगा पेज या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो सेकंड जो है उसको हम लोग बोलेंगे पेज। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स रेंजिंग फ्रॉम एथिकी ड्यू टू यूनिफॉर्म पोर साइज, देख रहे हो, तो यूनिफॉर्म पोर साइज, ओके। पोर साइज इज कंट्रोल्ड बाय मॉड्यूलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड, है कि नहीं। तो केयर मस्ट बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ जेल as acrylamide is a potent neurotoxin, ठीक है, ये neurotoxin है, ये nervous system को affect करेगा, इसीलिए आपको बहुत carefully use करना है, okay? Is a potent neurotoxin in its liquid and powdered forms, ठीक है, and it is favored by people as it can
polymerize in क्या ट्यूब लाइट फ्लोरोसेंट लाइट एंड सन ड्राइंग इज नॉट नीडेड. समझ रहे हो? तो एक्चुअली जैसे अभी आप सपोज दिन में नौकरी करते हो रात में रिसर्च करते हो तो अब आप कैसे जेल बनाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग को ऐसा चाहिए जो धूप धूप में ड्राई करने का जरूरत ना पड़े. ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड योर माने पॉलीमराइजिंग फ्लोरोसेंट लाइट. तो इसलिए बहुत लोग इसको ज्यादा प्रिफर करते हैं. ठीक है, तो अब इसके लिए मैं आपको इसका जो चैम्बर दिखा देता हूं किस तरह से होता है. और भी अलग अलग टाइप ऑफ जेल्स मिलता होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो लेट मी शो यू सम चैम्बर्स. सर सन ड्राइंग कौन सा करिए? अरे जेल सूखेगा कैसे? आपको जो जेल लिए हो ये जेल सुखाना भी तो है. अरे जैसे तुम अभी तो खीर भी तो एक जेल होता है ना, अब उसको यूज कर लो. यस सर. तो इसलिए आपको उसको सुखाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्राई इट. ओके, तो ड्राई जब करोगे तो आप उसको मैंने देख सकते हो. ओके, हैंडलिंग इज इजियर अगर उसको ड्राई करोगे. मैं दिखा रहा हूँ कुछ फोटोग्राफ्स, इसमें मिलना जरूरी है. ये देखो, ये देख रहे हो? तो ये आपका एक केज अपरेटस है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल अपरेटस है. इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो, तो ये एक कांच है, दो कांच लेते हैं हम लोग एंड दोनों कांच के बीच में स्पेसर डाल देते हैं. ठीक है, बिटवीन टू ग्लासेस हम लोग स्पेसर डालते हैं. जितना मोटा आपको जेल चाहिए उतना मोटा स्पेसर डाल दोगे एंड उसमें पॉलीएक्रिलामाइड डाल दोगे, आपका जो ट्यूबलाइट में रख दोगे, है कि नहीं? तो नाउ कीप इट इन द ट्यूबलाइट. तो जैसे आप इसको ट्यूबलाइट में रख दोगे तो क्या होगा, तो वो जेल बन जाएगा. सो इट विल बिकम अ जेल एंड उसमें ऊपर एक कंघी रख देना, कोम. तो जब आप